हे हिरवे साप, हे जिहादी मानसिकतेचे हिरवे साप, हे कोणाचेच होऊ शकत नाही। देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवायचं आहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये बात तो आप हज़रात अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक नफरती चिंटू ने, यती नरसिम्हा नंद ने, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके चलते यूपी पुलिस ने नरसिम्हा नंद को हिरासत में ले लिया है। लेकिन उस वक्त कल जब अमरावती में FIR कराने के लिए मुस्लिम लोग पहुंचे थे, तो वहां पर माहौल बिगड़ गया था। उस पर नीतीश राणे ने क्या कहा है, क्या बयान दिया है, आप हजरात इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए कि नीतीश राणे उस पर क्या कह रहा है और कितने भद्दे कमेंट कर रहा है, कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और कितना गलत मुसलमानों को बोल रहा है। आप हजरात उसके बयान को खुद सुन लीजिए। काल रात्री अमरावती मध्ये नागपुरी गेट पोलीस स्टेशन मध्ये झालेली दगडफेक हे परत एकदा शिक्कामोर्तब करून जातं कि हे जिहादी, हे हिरवे साप, हे कोणाचेच नाही। आता तरी ह्यांच्या बिर्याणीवर प्रेम करणारे जे काही मोजके पोलीस खात्यातले अधिकारी आहेत, त्यांचे डोळे उघडले असतील कि हिरे हिरवे साप, हे जिहादी मानसिकतेचे हिरवे साप, हे कोणाचेच होऊ शकत नाही। यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान मान्यच नाही। मी जे वारंवार बोलतोय कि ह्यांना या देशात शरिया कायद्यात लागू करायचा आहे। मी अमरावती पोलीस खात्यातल्या अधिकाऱ्यांना मी विश्वास देतो कि तुम्ही घाबरू नका, चिंता करू नका। सकल हिंदू समाज आणि आमचे महाराष्ट्राचे आदरणीय उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री हे तुमच्या बरोबर आहेत। आम्ही पूर्ण ताकदीने तुमच्या बरोबर उभे आहोत। या हिरव्या सापांना वेळेत ओळखा। ह्यांना फक्त या देशामध्ये, या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवायचंय हा एकमेव ह्यांचा हेतू आहे। कोणतरी दुसऱ्या राज्यामध्ये मोहम्मद पैगंबरांबद्दल काही बोलतो त्याचा हा अर्थ होत नाही की त्यांनी नागपुरी पोलीस स्टेशन अमरावतीमध्ये येऊन धिंगाणा घालावा, पोलिसांवर हल्ले करावे, पोलीस स्टेशनवर दगडफेक करावं। म्हणून या निमित्ताने त्या सगळ्या हिरव्या सापांवर पोलीस खात्याने कडक ती कडक कारवाई करावी, अशी ह्या निमित्ताने मी मागणीही करतो। हाँ, तो आपने नीतीश राणे की ये बात सुन ली होगी, जिसमें वो कह रहा है कि हरे सांप किसी के नहीं हो सकते, मुसलमानों को जिहादी बोल रहा है और कह रहा है इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सामईन किराम, सबसे ज़्यादा नफ़रत, सबसे ज़्यादा जहर तो ये नीतीश राणे, ये डेढ़ फुटिया उगल रहा है। सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आखिर पुलिस इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इसकी बातों को आपने सुन लिया होगा, ये किस तरीके से नफ़रत पे नफ़रत फैलाता जा रहा है, नफ़रती भाषण देता चला जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम पुलिस से यही दरख्वास्त करेंगे, यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इस नीतीश राणे को भी गिरफ़्तार किया जाए और इस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये भी आए दिनों नफ़रत का बयान देता रहता है, नफ़रत फैलाने की कोशिश करता रहता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।